इस बैटरी को अभी हम करेंगे रिपेयर। फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव, लेकिन अभी जो बात करने वाले बाइक के बैटरी के बारे में बात करने वाले। इग्निशन ऑन है और जैसे सेल्फ स्विच को दबा रहे हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि बाइक स्टार्ट होता है, एक बार स्टार्ट हुआ और देखिए दोबारा में डिस्प्ले से लाइट कट गया। यानी कि देखिए यहाँ पे इग्निशन ऑन करके जैसे सेल्फ स्विच को पुश करें, सेल्फ रन करने के लिए जैसे होता है कि बाइक का बैटरी डाउन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मीटर पे भी लाइट चला जाता है। अगर आपको बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो उस टाइम आपको एक चेकअप करना है कि बाइक का ये टर्मिनल का जो बोल्ट है उसको चेकअप करना, अगर ढीला रहेगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। अगर दूसरा हम यहाँ पर बात कर लें, अगर बैटरी 2 साल से अधिक हो गया, 2.5 साल 3 साल, तो हो सकता है आपके बाइक का बैटरी ख़राब हो गया, तो उस टाइम इसमें नया बैटरी डाल के चेकअप करना है या बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बतलाएंगे बैटरी को रिप्लेस नहीं करना है, इस बैटरी को अभी हम करेंगे रिपेयर। तो 2 साल में कोई कोई 1 साल में भी ख़राब हो जाता है, लेकिन अभी नया नया बाइक में देख रहे हैं बैटरी का हाल 1 साल 1.5 साल में ख़राब हो जाता है, यानी कि सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम आया था। और ये प्रॉब्लम BS6 बाइक में खास करके अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ देर वेट कर लिए फिर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बाइक जैसे ही चलता है उस टाइम बैटरी चार्ज हो जाता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ देर छोड़ देते हैं तो सेल्फ स्टार्ट होना बंद हो जाता है, बैटरी कुछ देर बाद डिस्चार्ज हो जाता है। इसको अभी हम बैटरी नया डाल करके नहीं, इसको रिपेयर करके आपको दिखलाएंगे। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे गल्फ प्राइड का बैटरी है, ग्रीन कलर का बैटरी है, अभी इसको हम करेंगे रिपेयर, वो भी बिल्कुल 20 से 25 रुपया बजट आएगा और बाइक का जो बैटरी का फिर से नया जैसा काम करेगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक गल्फ प्राइड का जो बैटरी था पैशन प्रो बाइक का, उसको हमने खोल करके साइड कर लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसके ऊपर में जो प्लेट लगा है, इस प्लेट को, इस कवर को आपको ओपन करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। यहाँ पे देखिए गल्फ बैटरी में यहाँ पे कट दिया हुआ है। इसी का जगह बात कर ले तो एक मेरे पास एक साइड का बैटरी है, एक साइड का बैटरी में देखिए यहाँ पे भी कहीं पे इस बैटरी में भी कट लगा होगा, कहीं पे कट लगा होगा। अगर कट नहीं लगा है तो उस टाइम आपको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डालना है, इस तरह का बिल्कुल पतला स्क्रू ड्राइवर लेकर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डालने के बाद बिल्कुल इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आस्ते आस्ते इसको ऊपर करना है, ऊपर की तरफ इस तरह से बिल्कुल आसानी से इस तरह से कैप को ओपन करना है। ज़्यादा घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, इस तरह से आस्ते आस्ते इसको ओपन कीजिएगा, प्रॉपर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो एक मेरे पास एमरॉन का बैटरी है, एमरॉन में देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटा कैप लगा है, बिल्कुल आसानी से ओपन हो जाएगा इस तरह से, देखिए इस तरह से बिल्कुल। ये एमरॉन का बैक में भी इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के जगह हम बात कर ले यहाँ पे तो एक है FS सोनी का बैटरी, FS सोनी का बैटरी में भी यहाँ पे देखिए एक कट लगा है, यहाँ से आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके जगह यहाँ पे बात कर ले तो एक है मेरे पास ये एमको का बैटरी, में आपको ओपन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। आप लोग सोच रहे हैं एमको का बैटरी में प्रॉब्लम क्यों होगा, क्योंकि एमको का जो बैटरी का जो कैप ओपन होता है ये फुल असेंबल ओपन होता है, क्योंकि इतना नहीं ओपन होगा ये फुल। यहाँ देखिए किस तरह से कट किया, इस तरह से इधर से यानी जितना ये थ्रेड है फुल, इतना बड़ा का ये प्लेट है, टोटल ओपन होगा। इसके लिए यहाँ से ओपन करना पड़ेगा एमरॉन में, सॉरी एमको में, एमको बैटरी में यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, उसको भी आस्ते आस्ते इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये बैटरी सब बिल्कुल डेड है, काफ़ी पुराना बैटरी का, ये सब काफ़ी पुराना हो गया है। इस बैटरी का 4-5 साल हो गया तो काफ़ी ख़राब हो गया, इस बैटरी का 4-5 साल हो गया ये भी बिल्कुल डेड है। तो फ्रेंड्स अगर आपके बाइक का बैटरी 2 साल नहीं हुआ है और आपके पास गारंटी कार्ड है, उस टाइम आप बैटरी को छेड़छाड़ नहीं कीजिए, खोल खाल नहीं कीजिएगा, कंप्लेन कर दीजिएगा तो आपको नया बैटरी मिल जाएगा। अगर बैटरी डेड हुआ होगा तो 2 साल से अधिक हो गया तो उस टाइम आप रिपेयर कर सकते हैं। जो करेंगे वो गल्फ प्राइड बैटरी को रिपेयर करें। चलिए हम फटाफट से इस कैप को यहाँ से कर लेते हैं ओपन, देखिए बिल्कुल आसानी से ओपन कर लिया। अब उसके बाद इसके ऊपर जो भी ब्लैक वाला कैप लगा है इसको खोल करके आपको सेट कर देना है। इन सभी कैप को हमने देखिए खोल करके सेट कर लिया, अभी इसको लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, इसको सेट करके फेंक देना है। उसके बाद अगर आपके वर्कशॉप पे फर्श है नीचे तो उस टाइम आपको इस तरह का एक फुट रख देना है नीचे। उसके बाद आपको लेना है ये 1250 एसिड, ये आपको लोगो देख करके लेना है। नॉर्मल पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, एसिड का यूज करना है 1250 का ही। और एक चीज़ और आपको बताया, यूज करते वक्त आपको कहीं पे भी कपड़ा पे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपको कपड़ा को जला देगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए ये तो 5 लीटर का कैन है, ये आपको 1 लीटर में मिल जाएगा मार्केट में 25 से 30 रुपया में, वो भी आप 25 से 30 रुपया नहीं बैटरी को रिपेयर कर लीजिएगा बिल्कुल नया जैसा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जार लिया है, इस जार में हम इसमें से थोड़ा निकाल करके बाहर निकाल लेंगे, इसमें से थोड़ा हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब क्या करना है यहाँ पे, इसको कैप को टाइट कर देते हैं इस तरह का। आपको एक मोटा वाला इंजेक्शन लेना है, सुई लेना है,
ये भी निडिल के साथ लेना है। अगर आपके पास निडिल नहीं है तो इस हल के अंदर पानी डालने में दिक्कत होगा। वो आपको दिक्कत कौन से बैटरी में होगा, तो ये जो है एक्साइड का इस बैटरी में पानी डालने में दिक्कत हो, क्योंकि इसका हल है वो थोड़ा टेढ़ा होता है। तो अभी हम चलिए इसको एक एक सिरिंज के यहाँ पे नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ 10 ml करके ही एक बैटरी में, इसके यहाँ पे जो 6 हॉल है इन सभी 6 हॉल में 10-10 ml करके डालना है। आप चाहे तो 15 ml डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं डालना है। चलिए यहाँ पे हम सभी बैटरी को हॉल में डाल देते हैं, करके थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डाल देते हैं इस तरह से, बिल्कुल आस्ते से आपको डालना है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सभी हॉल में आपको डाल देना है। क्योंकि सूखा बैटरी है ये पहले से ड्राई रहता है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा, इसका प्लेट जो है वो बिल्कुल चार्ज हो जाएगा और इसका प्लेट भी थोड़ा डाउन हो जाता है। पानी देने से प्लेट जो है इसका बैटरी का जो अंदर में प्लेट लगा है वो चार्ज हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा पानी देने से। इसको चार्ज करेंगे 1-2 घंटा आप चाहे तो चार्ज कर सकते हैं, चार्जर है आपके पास तो। अगर चार्जर नहीं है तो आप वैसे भी इसको बैक में टेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आज 2-3 घंटे बैटरी को चार्ज कर दिया पूर्णतः रूप से, बैटरी चार्ज हो, अब थोड़ा गर्म भी हो गया। अब इसको चार्जिंग से बाहर निकाल लेते हैं, इसके ऊपर जो पानी है इसको हम थोड़ा नीचे गिरा देंगे, कोई डब्बी नहीं, पानी को हम बाहर निकालेंगे। इसमें थोड़ा पानी कम रखना है क्योंकि चार्ज होगा तो पानी खोलेगा तो बाहर नहीं निकालना चाहिए। चलिए इसको फटाफट से चार्जिंग से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर जो भी पानी था उसको बाहर निकाल दिया। अब इसको कोई भी आपको तावल लेकर के इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है, ध्यान रखें इस तावल को उसके बाद दूसरे कोई भी जगह यूज नहीं करना है, इसको फेंक देना है या फिर इसको जला देना है। इसको प्रॉपर अच्छा से हम क्लीन कर लिए, अब यहाँ पे फेविक्विक थोड़ा थोड़ा करके डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डाल देना है। कोई भी फेविक्विक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप को यहाँ पे रख देना है, इस कैप को यहाँ पे रख करके 1-2 मिनट के लिए वेट कर लें ताकि प्रॉपर अच्छा से सूख जाए। तो फिर देखिए यहाँ पे सूख करके फाइनली कंप्लीट हो गया। अब इसको पानी से थोड़ा वॉश कर लेना है, कोई भी फ्रेश पानी से, ताकि इसके ऊपर जो भी एसिड लगा हो बाहर निकल जाएगा। अब चलिए इस बैटरी को हम यहाँ पे बाइक में कर लेते हैं सेटिंग, उसके बाद देखते हैं इसको सेल्फ से स्टार्ट करके फटाफट से इसको सेटिंग कर लेते हैं। तो फिर देखिए यहाँ बैटरी को हमने कर लिया फाइनली सेटिंग, अब चलिए यहाँ पे इग्निशन को कर रहे हैं हम ऑन। देखिए अब लाइट भी प्रॉपर आ गया और ऑन भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब चलिए सेल्फ स्विच को पुश करें, देखिए सेल्फ स्विच को पुश किया, बाइक फाइनली मेरा स्टार्ट हो गया। देखिए फिर से स्टार्ट करके चेक करके देखिए, दो बार स्टार्ट किया फिर से बाइक स्टार्ट हो गया, फिर से इग्निशन ऑफ करके फिर से स्टार्ट करके चेकअप करके देखिए, 3 बार स्टार्ट किया स्टार्ट हो गया, फिर से एक बार और चेकअप कर लेते हैं। देखिए 3-4 बार अभी तक सिर्फ बैटरी को चार्ज करने के बाद इस 3-4 बार सेल्फ से स्टार्ट कर दिए, प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आपने देखे थे इससे पहले किस तरह से जैसे इग्निशन ऑन करके सेल्फ स्विच को पुश कर दे मीटर से टोटल लाइट कट रहा था और बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। अगर आपके बाइक में जब बाइक चलने के बाद सेल्फ स्टार्ट हो रहा है फिर कुछ देर रखने के बाद सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आपको बैटरी को खोल करके बाहर निकालना, चाहे आपके पास बाइक में कोई भी कंपनी का बैटरी है। इसी तरह से बैटरी के अंदर 1250 AC डाल करके कुछ देर चार्ज कर देना है, फिर से बाइक में फिट कर देना है, नया जैसा बैटरी काम करने लगेगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजौली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।